अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू चल रही है। मैं आशा करती हूँ आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोग जो मैंने आपको पढ़ाया है, जैसा कि अपना क्या ग्रह चल रहा है, ग्रह के अकॉर्डिंग भी अपन ने क्या क्या अभी पढ़ लिया है। तो ग्रह में अपन ने जैसे बुध के लिए पढ़ा, तो बुध में भी अपन ने क्या देखा था, तो सूर्य के सबसे पास का ग्रह था। आकार के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य से आकार के हिसाब से देखें तो ये सबसे दूर का ग्रह था। तो ये मतलब बोल सकते हैं इस तरीके से अपन ने कई सारे ग्रह, मतलब 3-4 ग्रह अपन ने पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे अपन कंटिन्यू रखते हैं, जिसमें अपन को क्या देखना है, ग्रह से आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ग्रह से क्वेश्चन हमेशा उठ के आते ही हैं। इसीलिए आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से समझकर इसको नोट भी करना है, क्योंकि हर चीज़ अगर अपने हाथ से लिखी जाए तो वो ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। तो इसके लिए अपन आगे कंटिन्यू रखते हैं। जैसा कि अपन आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बृहस्पति, बृहस्पति में भी अपन को क्या देखना है, बृहस्पति यानी कि इसको जुपिटर बोलते हैं और ये साइज के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो ये देखते हैं आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति को जाना जाता है। इसके बाद अगर देखिए परिक्रमण काल इसका कितना होता है, तो परिक्रमण काल 11.9 वर्ष में ये सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर पाता है। इसके बाद अगर देखें तो ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पर हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया जैसी गैसेस पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए आपको इसको आगे आने वाले एग्जाम के लिए तैयार हो जाना है कि इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस ग्रह पर एक बार क्वेश्चन ये भी आया है कि लाल ग्रह के तूफान, जिसे अपन इंग्लिश में देखा जाए तो रेड, इसे ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट रेड स्पॉट कहाँ पर आते हैं, लाल रंग के तूफान कहाँ पर आते हैं, तो ये बृहस्पति के पास में आते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके सब पहले, इससे पहले अगर देखा जाए तो ये 2019 से पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह यानी कि सबसे ज़्यादा मून्स रखने वाला ग्रह था, जिसके बाद 79 ग्रह थे। लेकिन 2019 के बाद, अक्टूबर 2019 के बाद अगर 20 नए ग्रह खोजे गए हैं, जिसमें शनि के पास अब ग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करंट का क्वेश्चन भी है और इसे पूछा जा सकता है कि पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है। तो आपको याद रखना है पहले नंबर पर अपना शनि हो गया है और दूसरे नंबर पर अपना बृहस्पति यानी कि जुपिटर हो गया है, जिसके पास 79 उपग्रह पहले थे और अब भी हैं। इसमें अपन देखें तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह देखा जाए तो ग्लाइनीमिड है, ग्लाइनीमिड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, कैलिस्टो है ये, कैलिस्टो। ठीक है, कैलिस्टो इस तरीके से इसमें पूछते हैं निम्न में से कौन सा उपग्रह शनि का है, निम्न में से कौन सा उपग्रह पृथ्वी जुपिटर का है यानी कि बृहस्पति का है। तो इसमें देखते हैं अपन ग्लाइनीमिड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो, इसमें से सौर मंडल का सबसे बड़ा अगर उपग्रह की बात करते हैं तो ग्लाइनीमिड है। इसके बारे में एक और डिटेल बता दूं कि इस ग्रह की खोज किसने की थी, तो इस ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी और इसका जो उपग्रह, जो चार उपग्रह खोजे हैं वो किसके द्वारा खोजे गए हैं, तो गैलीलियो के द्वारा ही खोजे गए हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इसमें अगर देखा जाए तो ये मात्र ऐसा उपग्रह जिसकी खुद की एनर्जी है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, खुद की रेडियो एक्टिव जो एनर्जी होती है वो है, तो ये हो गया अपना बृहस्पति। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें तो आगे अपन को क्या देखना है, दूसरा अगर ग्रह देखें तो अपना क्या हो जाएगा, सैटर्न यानी कि शनि, शनि को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जुपिटर यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है उसका पिता किसे कहा जाता है, तो शनि ग्रह को कहा जाता है। इसके बाद गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि इसे कृषि का देवता भी कहा जाता है, जो रोमन लोग हैं यानी कि इटली उसकी कैपिटल रोम है, तो वहाँ के जो लोग रोमन लोग हैं वो इसे यानी कि एग्रीकल्चर ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं या उसे पुकारते हैं। अब इसको देखा जाए तो इसका रंग कैसा है, तो ये पीले तारे के समान दिखाई देता है आसमान में, रात्रि में देखोगे तब देखेगा। इसके बाद आकार के आधार पर देखा जाए तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। परिक्रमण काल यानी कि परिक्रमण काल के लिए मैंने आपको बताया था कि परिक्रमण का मतलब होता है कि वो ग्रह जो किसी दूसरे तारे के चारों तरफ घूम रहे होते हैं उसको बोलते हैं परिक्रमण, और अपने ही धुरी पर घूमते हैं उसको कहते हैं अक्षीय या घूर्णन कहते हैं। जिस तरीके से हमारे पृथ्वी के भी दो होते हैं रोटेशन, अगर देखा जाए तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसे बोलते हैं परिक्रमण, और अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन। ठीक है, इस तरीके से अक्टूबर 2019 यानी कि इसके बाद इसके 20 नए उपग्रह खोजे गए हैं, जिसमें से अब इसके कुल उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है, 82 हो गई है यानी कि 82 हो गई है, और बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा
उपग्रह रखने वाला बन गया है। अब इसमें बृहस्पति से भी ज्यादा उपग्रह हो गए हैं, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि बृहस्पति से ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो आपको याद रखना है शनि के पास है, ठीक है। या इस तरीके से पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा उपग्रह रखता है, तो आपको वही नहीं रटा होना चाहिए कि पहले बृहस्पति था लेकिन अब करंट की बात करें तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा किसके पास है, तो ये है अपने शनि के पास। अब शनि के भी कुछ उपग्रह हैं, जैसे कि देखते हैं टाइटन। टाइटन यानी कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसे किसके द्वारा खोजा गया है, क्रिश्चियन हाई जोन के द्वारा खोजा गया है। क्रिश्चियन हाई जोन के द्वारा इसको खोजा गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टाइटन जो शनि का उपग्रह है इसे किसके द्वारा खोजा गया है, तो टाइटन जो हो गया क्रिश्चियन हाई जोन के द्वारा इसको खोजा गया है। इसके बाद आगे देखते हैं टाइटन यानी कि एकमात्र ऐसा ग्रह उपग्रह है, या बोल सकते हैं ऐसा खुद का उपग्रह है, मून है, जिसके पास अपने खुद का वायुमंडल है, यानी कि एटमॉस्फेयर किसके पास है, इसका खुद का एटमॉस्फेयर है। और इसके लिए एक उपग्रह यानी कि एक सैटेलाइट या मिशन भेजा गया था, कसिनी हाइगेंस मिशन। इसके द्वारा बताया गया है कि इस उपग्रह पृथ्वी के समान ही, यहाँ पर क्या है, नदियाँ नहरें सागर हैं। इसके ये ठोस परिणाम जो भी रिजल्ट है वो इसने दिए हैं 2004 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है निम्न में से ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसका खुद का वायुमंडल है, ये भी आपको याद रखना है। तो किसका है, आपको याद रखना है टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है, ये भी शनि का है। इसके बाद इसके अन्य उपग्रह भी आते हैं, जैसे मीमास, और ये आपका लिखा है एनसीलाइट, मीमास, एनसीलाइट, टेथिस, इस तरीके से ये हो गया फेवो। फेवो एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो क्या करता है, रोटेट, जिसका रोटेशन किस तरीके से होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, एकमात्र, बाकी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं उपग्रह की बात करें तो, लेकिन यहाँ पर ये उल्टा घूमता है, तो ये आपको भी याद रखना है। इसके बाद शनि के चारों ओर क्या पाई जाती है, सिविल रिंग्स पाई जाती है। रिंग्स बोले तो बलय जो होती है ना, चुम्बकीय तरीके से दिखाई देते हैं, एकदम रिंग की तरह ये चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो शनि के चारों ओर बलय पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से अगर इसमें डेंसिटी की बात करें तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि यानी कि सैटर्न है। इसका घनत्व इतना कम है कि अगर इसे पानी में डालें तो ये पानी की सतह पर तैरने लगता है, मतलब तैर सकता है, इस तरीके से अपन ने यहाँ देखा। तो अपन आगे बढ़ते हैं जिसमें अपन को क्या, अरुण, अरुण में देखना है अरुण क्या है, कैसा है, ये सूर्य से कितनी दूरी पर है, तो ये देखते हैं इसमें क्या है। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह ये किसके आधार पर है, साइज के आधार पर, अरुण यानी कि यूरेनस भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसकी खोज बार बार पूछी जाती है पेपर में, तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं अरुण हस्ता है, हिंदी में याद रखोगे अरुण हस्ता है। हस्ता से विलियम हर्सेल के द्वारा इसकी खोज की गई है, तो कैसे याद रखना है, अरुण हस्ता है, ये दिख रहा है आपको हंसने जैसा लग रहा है, तो अरुण हस्ता है, इसको आप याद रख सकते हो, तो विलियम हर्सेल ने इसकी खोज की है। इसके बाद अगर देखें तो इस यहाँ पर इसका वायुमंडल यानी कि इसका जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो सबसे अधिक मात्रा में मीथेन पाई गई है, और इसके चारों तरफ अगर देखा जाए तो सूर्य शनि की भांति यहाँ पर भी क्या होती है, रिंग बलय यानी कि जो 10 प्रकार की जो बलय यानी कि रिंग्स पाई जाती है, जिसमें कुछ जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा इलेप्सन, इस प्रकार की बलय यहाँ पर पाई जाती है। अगर देखा जाए तो ये हो गया इसका परिक्रमण काल, यानी कि सूर्य के चारों तरफ कितने टाइम में एक बार में पूरा चक्कर कर पाता है, तो इसको 84 वर्ष यानी कि 84 ईयर्स लगते हैं। इसके कितने उपग्रह हैं, तो ये 27 उपग्रह रखता है, जिसमें जैसे कि कार्डेलिया, एरियल, मिरांडा और एम्फ्रिन, टाइटेनिया। टाइटेनिया अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा, टाइटेनिया क्या है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है, ये आपको याद रखना है। सौरमंडल की अगर बात करें तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटेनिया है, ठीक है। इसे ये इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रह है या कौन सा प्लानेट है जो लेटा हुआ है, तो अरुण अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ ऐसा लगता है जैसे कि ये लेटा हुआ है, इस कारण से इसे लेटे हुए ग्रह की संज्ञा दी गई है। अब इसका जो चक्रण होता है वो दक्षिणावर्त यानी क्लॉक वाइज होता है। सभी ग्रह अगर देखा जाए शुक्र और अरुण को छोड़कर देखा जाए तो बाकी सभी ग्रह पृथ्वी की दिशा में घूमते हैं, जैसे कि पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन ये अरुण ग्रह है ये कैसे घूमता है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। और इससे पहले बताया था कि शुक्र है वो किस तरीके से घूमता है, वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सबसे पहले दूरबीन यानी कि जो टेलीस्कोप होता है उसकी सहायता से देखा गया ग्रह कौन सा था, तो ये था अपना कौन सा, यूरेनस यानी कि अरुण था, ठीक है। अरुण की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुण की खोज किसके द्वारा की गई है,
तो विलियम हर्सल के द्वारा इसकी खोज की गई है। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटेनिया है, ये याद रखना है। अगर उपग्रहों की बात करें तो इसमें से पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा उपग्रह शनि का है या फिर कौन सा उपग्रह अरुण का है, तो इस तरीके से ऑप्शन में देते हैं। अगर आप इस प्रकार से याद रख लेते हैं, ये प्रमुख है जैसे एरिल, कार्डिडिया, मिरांडा, ओबेरॉन, इस तरीके से इनमें से जो प्रमुख है ये आपको दिया है, ये आपको पेपर में अगर आ जाए तो आप, अगर आपने एक दो बार पढ़ा है तो आपको माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि ये किसका है, यूरेनस यानी अरुण के ये उपग्रह है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर वरुण, वरुण की खोज भी पूछी जाती है। वरुण यानी कि नेपच्यून, ये जोहान गाले के द्वारा इसकी खोज की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या है। साइज के आधार पर देखा जाए तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा ये। इसके भी कितने उपग्रह हैं, तो 13 उपग्रह हैं। टीट्रॉन इसका प्रमुख उपग्रह है। ठीक है, टीट्रॉन इसका क्या है, प्रमुख उपग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह है ये, क्यों, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, इस कारण से यहाँ पर बर्फ के छत्र भी छाए, मतलब बर्फ सबसे अधिक मात्रा में जमी रहती है। और यहाँ पर देखा जाए इसका कलर कैसा है, तो ये हरे रंग का है। हरे रंग का क्यों, यहाँ पर मीथेन के जो बादल होते हैं ना, मीथेन जो गैस है, आपने देखा होगा अगर आपने कभी प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में अगर आपने प्रयोग किए होंगे, जैसे अपन टेंट हॉल्स में पढ़ते हैं तब अपन को प्रयोग कराए जाते हैं, जैसे नमक बनवाना या फिर इस तरीके से, तो वो कलर अपन को बड़ी बड़ी जो लैब होती है वहाँ पर, बड़े बड़े जो स्कूल होते हैं ना वहाँ पर ही करवाए जाते हैं, ऐसे अपने एमपी में तो नहीं होता, होता है बहुत कम होता है। इसके लिए अगर देखा जाए तो मीथेन गैस का कलर कैसा है, हरा है, इस कारण से यहाँ पर मीथेन के जो बादल छाए रहते हैं, इस कारण से जो ग्रह है नेपच्यून है इसका कलर कैसा है, हरे रंग का है। यहाँ पर बर्फ की अधिकतम मात्रा पाई जाने के कारण इसे बर्फ का दानव भी कहते हैं, आइस जेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखा, ये आपने देख लिया, सूर्य के चारों तरफ 164 वर्ष में घूमता है और अपनी दूरी पर 16 घंटे में घूम लेता है। इस तरीके से आपने ग्रहों के बारे में पढ़ा। अब अपना रह गया है पृथ्वी। पृथ्वी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, किसने किस किस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी किस तरीके से ऋतु परिवर्तन होता है और किस तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है, ये पूरी जानकारी कल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, पृथ्वी को। तो इसके आगे अपन कल कंटिन्यू रखते हैं। थैंक यू।